चाहती हूँ कि अंकल अगर स्कूल में ये सब नहीं करेंगे और हम तुम्हारी स्कूल एंशियंट चाइनीज उसे आती है। हेलो फ्रेंड्स, तो मूवी के स्टार्टिंग में हम एक लेडी को देखते हैं जिसका नाम जोना होता है, जो एक मिस्टीरियस सामान को छुपा रही है। उसकी एक बेटी होती है जिसका नाम क्लेयर होता है और वो अपनी बेटी क्लेयर को किसी काम से बाहर भेज देती है। और जब क्लेयर वापस अपने घर आती है तो वो देखती है कि उसकी माँ ने फैन से लटक कर सुसाइड कर लिया है और इसी के साथ क्लेयर की नींद खुलती है। और अब क्लेयर 17 साल की हो गई है लेकिन अभी तक उसके माइंड से उसकी माँ की सुसाइड के रीजंस नहीं जा रहे थे और वो इन सब चीज़ों से बहुत परेशान थी। अब हम कहानी में आगे बढ़ते हैं जहाँ क्लेयर के फादर को दिखाया जाता है जिनका नाम जोनाथन होता है। वो अपने दोस्त क्लार के साथ सिटी के डंपयार्ड में काम करते हैं, यानी कि वो कचरा उठाने का काम करते हैं। और क्लेयर अपने स्कूल के लिए जा रही होती है और स्कूल जाते समय वो अपने अंकल को रोज़ पेपर देती है और उसके अंकल बहुत अमीर इंसान थे। स्कूल जाते टाइम डार्सी अपने कार से क्लेयर को धक्का मार देती है जिससे वो गिर जाती है। असल में डार्सी और क्लेयर की एकदम नहीं बनती और वो दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। जाम क्लेयर को स्कूल में पॉल को देखते हुए देखते हैं क्योंकि वो उसे बहुत पसंद करती है, लेकिन पॉल स्कूल का सबसे पॉपुलर लड़का है जिसे बहुत लड़कियाँ पसंद करती हैं और उसके लिए क्लेयर भी एक नॉर्मल लड़की थी। और डार्सी हमेशा क्लेयर के काम को ख़राब करने में लगी रहती है और फिर स्कूल में क्लेयर डार्सी को पिन करने लगती है जिस पर उन दोनों में फ़ाइट हो जाती है। जब हम जोनाथन और क्लार को देखते हैं जिन्हें एक बॉक्स मिलता है और उसमें कुछ चाइनीज़ में लिखा हुआ होता है, जिसके बाद जोनाथन उसे अपनी बेटी क्लेयर को गिफ्ट करने का सोचता है। और जब क्लेयर घर आती है तो वो उसे बॉक्स देकर जोनाथन कहता है कि ये तुम्हारा गिफ्ट है। और क्लेयर को चाइनीज़ पढ़ने आता था क्योंकि वो चाइनीज़ लैंग्वेज की क्लासेस लिया करती थी। और जब वो उस बॉक्स के ऊपर पढ़ती है तो उस पर लिखा हुआ था कि तुम इसे कोई भी 7 विशेज मांग सकती हो और वो पूरा हो जाएगा। लेकिन उसे उस बॉक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था और वो अपनी पेंटिंग करने लग जाती है। और तभी उसे मैसेज आता है जिसमें डार्सी ने उन दोनों के फाइट का पोस्ट अपलोड कर दिया था और साथ ही साथ उसके फादर का भी, जो गार्बेज यानी कचरा उठा रहे थे। और ये देखकर वो बहुत अपसेट हो जाती है और तब वो उस बॉक्स को पकड़ कर कहती है कि डार्सी सड़कर बुरी तरह से मर जाए, और ऐसा बोलकर वो सो जाती है। जब वो अगले दिन स्कूल जाती है तो उसे पता चलता है कि डार्सी का चेहरा धीरे धीरे सड़ने लगा है और तब उसे यकीन हो जाता है कि उस बॉक्स में जो भी लिखा हुआ है वो सच में सही है। वह डार्सी के कुछ दोस्त आते हैं और डार्सी के ट्रीटमेंट के लिए फंड रेज करने के लिए कहते हैं, जिन्हें मैरिडेट डांट कर भगा देती है। अब क्लेयर अपने घर पर होती है और जहाँ उसका डॉग मैक्स नहीं मिल रहा होता, और जब वो उसे ढूंढने जाती है तो वो मरा हुआ था। और इससे एक बात तो क्लियर हो जाती है कि उस बॉक्स से मांगी हुई विश के बदले में क्लेयर किसी अपने की जान बदले में देनी होगी। और अगले दिन उस बॉक्स को फोटो लेकर वो अपने चाइनीज़ टीचर को दिखाती है जिसे वो एंशियंट चाइनीज़ नहीं आता था। और वो क्लेयर को किसी स्कॉलर से मिलने का बोलता है जहाँ हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम रियान था। और वो उसे बोलता है कि मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ क्योंकि वो क्लेयर को पसंद करता था। और वो उसे बताता है कि उसकी कज़िन जीना इस एंशियंट चाइनीज़ लैंग्वेज को जानती है, लेकिन वो उसे मना कर देती है। अब क्लेयर ये विश मांगती है कि पॉल उसके प्यार में दीवाना हो जाए। और अगले दिन सुबह पॉल उसके पीछे पड़ जाता है और उसे बात करने की कोशिश करने लगता है। और जब वो घर आती है तो उसे पता चलता है कि उसके अंकल की डेथ हो गई है, लेकिन क्लेयर अभी भी ये समझ नहीं पा रही थी कि ये सब उसी बॉक्स की वजह से हो रहा है। और अब वो एक और विश मांगती है जिसमें वो ये बोलती है कि उसके अंकल की जायदाद अब उसके नाम हो जाए। और तब उसके डैड बताते हैं कि अंकल ने जाने से पहले अपनी पूरी जायदाद तुम्हारे नाम कर दी है। और अब वो ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है क्योंकि अब वो गरीब नहीं रहेगी। और अब वो अपने डैड के साथ उस नए घर में शिफ्ट हो जाती है। अब क्लेयर बहुत अमीर हो चुकी है और अपनी लाइफ को बहुत इन्जॉय कर रही होती है। लेकिन अब क्लेयर के नेबर आंटी को देखते हैं जो अपने किचन को साफ करते करते वॉश बेसिन का ग्राइंडर ऑन करने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब क्लेयर उस बॉक्स पे लिखे वर्ड को पढ़ने का कोशिश करने लगती है लेकिन वो नहीं पढ़ पाती है, जिसकी वजह से वो रियान के साथ उसकी कज़िन जीना के पास जाती है और वो उसे बताती है कि इस बॉक्स को अगर तुमने जलाया या फेंका तो तुम्हारे विशेज रिवर्स हो जाएंगी। और तब उस बॉक्स पर एक क्वीन का नाम होता है लुई मी। अभी लोग उसके बारे में इंटरनेट पर पढ़ने लगते हैं और जीना क्लेयर को बताती है कि लुई मी एक क्वीन थी और एक फ्लू को फैलाने की वजह से वहाँ के लोगों ने उसकी फैमिली को मार दिया, लेकिन वो बच गई और फिर एक बॉक्स लेकर किसी शैतान के पास जाकर वहाँ प्रे करने लगी और धीरे धीरे अमीर हो गए, लेकिन उसकी मौत सुसाइड की वजह से हो गई। जब रियान को एक नंबर दिखता है जिसे जीना अपने दोस्त माइक को भेजती है और उसका पता लगाने को कहती है। जब रास्ते में क्लेयर को उसके डैड मिल जाते हैं जो कचरा साफ कर रहे थे और क्लेयर को ये देखकर बहुत शर्मिंदा हो जाती है। अब वो घर आकर अपनी फोर्थ विश मांगती है और जब वो बोलती है कि उसके डैड उस जॉब को छोड़ दें
और उसी रात माइक जीना को जीमेल करता है कि वो बॉक्स बहुत खतरनाक है और जब जीना क्लेयर को कॉन्टेक्ट करने का कोशिश करती है तो मोबाइल नेटवर्क ना होने की वजह से उसका कॉल नहीं लगता और बालकनी से उसका फोन गिर जाता है। और जब जीना वापस से अपने रूम में जाती है तो वहाँ एक्सीडेंटली उसकी डेथ हो जाती है। अब रियान अपनी कजिन का फोन ट्राई करते हुए उसके घर पहुँचता है जहाँ जीना उसे मरी हुई दिखती है और फिर वो उसे सीधे स्कूल जाता है। क्लेयर को बताता है कि जीना मर चुकी है और उसे पूछता है कि क्या तुमने कल रात कोई विश मांगी थी, जिस पर वो बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है, जिससे रियान समझ चुका था कि हो ना हो इसके पीछे उसी बॉक्स का हाथ है। खैर अब क्लेयर के साथ वही हो रहा था जो उसको इनके साथ हुआ था और उसके विश की वजह से उसके जानने वाले की जान जा रही थी। अब हम क्लेयर को देखते हैं जो अपने दोस्तों को छोड़कर पॉल के साथ कैंटीन में थी, जहां पॉल की एक्स गर्लफ्रेंड आती है और क्लेयर को बोलती है कि कपड़े बदलने से कोई फेमस नहीं हो जाता। और घर जाकर क्लेयर अपनी फिफ्थ विश मांगती है कि वो स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की हो जाए। और तभी उसे पॉल का मैसेज आता है कि वो उसे पार्टी में इन्वाइट करता है और क्लेयर जब उस पार्टी में जाती है तो उसे सब रिस्पेक्ट देने लगते हैं और जब वो पार्टी में बहुत इन्जॉय करती है, जिसके बाद क्लेयर घर आकर जब सोती है तो उसे वापस से अपनी माँ के सुसाइड वाले विजन्स आने लगते हैं और वो उठ जाती है। लेकिन तभी बाहर उसे कोई दिखता है। जब वो बाहर जाकर देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता। तब क्लेयर के डैड उसे पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, और वो बोलती है कि जब से मेरे पास वो बॉक्स आया है मेरा कोई पीछा कर रहा है और उस बॉक्स को चुराने की कोशिश कर रहा है। अब अगले दिन वो बॉक्स को छुपा देती है और वो बहुत टेंशन में होती है और अपने नेबर आंटी के घर जाती है जहाँ वो उसे मरा हुआ देखती है। और जब वो समझ जाती है कि सब कुछ बॉक्स और विश की वजह से ही हो रहा है और तब वो उस बॉक्स के बारे में अपनी फ्रेंड को बताती है, जिस पर उसकी फ्रेंड उसको फेंकने का बोलती है। लेकिन क्लेयर बोलती है कि अगर मैंने ऐसा किया तो मेरी विशेस रिवर्स हो सकती हैं, जिस पर उसकी फ्रेंड उसे सेल्फिश कहती है और उसे ये बोलती है कि तुम्हारी वजह से सभी लोग मरे हैं। और तब क्लेयर उस बॉक्स को फेंकने जाती है लेकिन वो उसे नहीं फेंकती। अब अगले दिन पार्टी में क्लेयर जब पॉल के साथ होती है तो वहाँ उसकी फ्रेंड मेरेडिथ और जून वहाँ आ जाती है और मेरेडिथ उससे उस बॉक्स के बारे में पूछती है तो क्लेयर बोलती है कि मैंने उसे फेंक दिया। और वहाँ कार में पॉल और क्लेयर इंटीमेट हो जाते हैं जहाँ उसे पता चलता है कि उसे स्टॉक करने वाला और कोई नहीं पॉल ही है और वह इस बात से नाराज़ हो जाती है और पॉल से ब्रेकअप कर लेती है। अगले दिन क्लेयर जून और मेरेडिथ एक मॉल में जाते हैं जहां मेरेडिथ किसी काम से अकेले टॉप फ्लोर पे जाती है और तभी क्लेयर जून को बताती है कि मैंने अभी तक उस बॉक्स को नहीं फेंका। और तभी हम जोनाथन को देखते हैं जिसकी गाड़ी पंचर हो गई थी, उसके जान को खतरा था। खैर जोनाथन को किसी तरह बच जाता है लेकिन मेरेडिथ जिस लिफ्ट में थी उसका वायर टूट जाता है, जिसकी वजह से मेरेडिथ की मौत हो जाती है। जिसके बाद जून क्लेयर को कहती है कि मेरेडिथ की मौत के जिम्मेदार तुम हो और वहां से चली जाती है। अब हम रियान को देखते हैं जिसने उस बॉक्स पर रिसर्च किया था और वो क्लेयर को बताता है कि इस बॉक्स को यूज़ करने से किसी की जान तो जाती है लेकिन जो इसे यूज़ कर रहा है उसकी भी जान चली जाती है। अब ये सुनकर क्लेयर उस बॉक्स को छुपा देती है और रात में पॉल उसके घर पर आता है और उसे मनाने की कोशिश करता है और जब क्लेयर नहीं मानती तो पॉल अपने हाथ की नस को काट लेता है। लेकिन वहाँ उसके डैड एम्बुलेंस लेकर आ जाते हैं जिसकी वजह से उसकी जान बच जाती है। अब अगले दिन जब क्लेयर और रियान उस बॉक्स को चेक करते हैं तो वो गायब हो चुका था, जिस पर रियान बोलता है कि शायद उस बॉक्स का काम खत्म हो गया है और इसीलिए वो गायब हो गया है। अगले दिन वो स्कूल जाती है तो वहाँ उसे पता चलता है कि उस बॉक्स को जून ने ही चुराया है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं अब उसकी भी मौत ना हो जाए। लेकिन क्लेयर किसी तरह उस बॉक्स को वापस घर ले जाती है और वो अपनी सिक्स्थ विश मांगती है, जिसमें वो अपनी माँ को मांगती है और होता भी ऐसा ही है। उसकी माँ वहाँ आ जाती है और अपना बर्थडे उसके साथ मनाती है। जब क्लेयर अपनी माँ की पेंटिंग देख रही थी तब उसे एक पेंटिंग में वही बॉक्स नजर आता है, जिससे वो समझ जाती है आज जिस फेस से वो गुजर रही है कभी उसकी माँ भी उसी फेस से गुजरी थी। अब क्लेयर अपने घर के बाहर देखती है जहाँ उसके डैड एक ट्री काट रहे थे और जैसे ही क्लेयर अपने डैड को बचाने जाती है उसके डैड उस सीढ़ी पर से स्लिप हो जाते हैं और वो कटर की वजह से उनकी भी मौत हो जाती है। अब क्लेयर भागते हुए इस बॉक्स के पास आती है और अपनी आखिरी विश मांगती है कि वो उसी बॉक्स में वापस चली जाए, जब उसे ये बॉक्स नहीं मिला था और फिर से वो अपने डैड के साथ नॉर्मल ज़िंदगी जी सके। और होता भी ऐसा ही है, जब उसकी नींद खुलती है तो वो सबसे पहले उस जगह पर जाती है जहाँ से उसके डैड वो बॉक्स लाए थे और उसे रियान को दे देती है और उसे बोलती है कि इसे कहीं दूर जाकर फेंक दो। और तभी वहाँ वो रियान को किस करके उसे प्रपोज करती है और जैसे ही वहाँ से रोड क्रॉस करती है कि डार्सी की कार से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो वहीं मर जाती है, क्योंकि उसने अपनी आखिरी विश को पूरा कर लिया था, इसीलिए वो बॉक्स उसकी भी जान ले लेता है। फिर हम रियान को देखते हैं जब वो उस बॉक्स को फेंकने जाता है तो उस पर पढ़ लेता है कि 7 विश पूरे होंगे और वो उसे नहीं फेंकता। इसी के साथ मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। आई होप कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।